क्या आप अपने मुंह के आसपास होने वाली हाइपरपिगमेंटेशन से परेशान हैं? इफ यस, तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है और ना जाने कितने लोग इससे गुजरते हैं। गुड न्यूज ये है कि कुछ चीजें हैं जो आप इससे बचने के लिए जरूर कर सकते हैं। हाइपरपिगमेंटेशन या मेलाज्मा यूजुअली कुछ एरियाज में एक्सेस मेलानिन प्रोडक्शन की वजह से होता है। ये सन एक्सपोजर, हार्मोनल चेंजेस, स्पेशली प्रेगनेंसी या फिर विटामिन डी या B12 डेफिशिएंसी से हो सकता है। आप इसे नेचुरल रेमेडीज या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वाले प्रोडक्ट से ट्रीट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ सिवियर द पिगमेंटेशन इज। पोटैटो जूस और आमला जूस दोनों ही विटामिन सी से भरपूर है, जो पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है। दोनों में से कोई एक बस डैप करे पिगमेंटेड एरिया पर, 10 से 15 मिनट तक ड्राई होने दे और फिर पानी से रिंस कर ले। अगर आप आमला जूस यूज कर रहे हैं और आपकी स्किन सेंसिटिव है तो इसे पानी से डाइल्यूट करें ताकि ये थोड़ा कम कॉन्सेंट्रेटेड रहे। पपाया में एक केमिकल होता है पापेन, जो स्किन को नेचुरली केमिकली एक्सफोलिएट करता है, जिसके हेल्प से हिडन और न्यू ब्राइटर स्किन सेल्स रिवील होते हैं। थोड़े से पपाया प्यूरी को दही के साथ मिक्स करें, जिसमें लैक्टिक एसिड भी होता है, और मास्क को अपने मुंह के आसपास 10 मिनट तक लगाए रखें। बेसन और हल्दी का हर DIY इंग्रेडिएंट रेमेडी में बेसिक इंग्रेडिएंट होने का एक रीजन है, क्योंकि ये इफेक्टिव है। एक टेबलस्पून बेसन, एक चुटकी हल्दी और रिक्वायर्ड दूध मिक्स करके पेस्ट बनाएं और हाइपरपिगमेंटेशन स्पॉट्स पर अप्लाई करें। बेसन और हल्दी एज ओल्ड स्किन ब्राइटनर्स है और दही की तरह ही दूध में भी लैक्टिक एसिड होता है। आपने ग्रीन पी पाउडर के बारे में नहीं सुना होगा, बट ये नेचुरल नायसिन से भरपूर है, विच मीन्स ये पिगमेंटेशन फेड करने में भी चैम्पियन है। इसे थोड़ा सा ग्रीन टी के साथ मिक्स करें, जो एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, और एक थिक मास्क बनाए और जहाँ चाहे वहाँ लगाए। ये कॉम्बिनेशन बहुत जेंटल है और आपके स्किन पर 15 से 20 मिनट तक रह सकता है। नीम आयुर्वेद हमारे कॉन्कॉक्शंस के लिए एक और स्टेपल है। नो नीड टू मिक्स इट अप विद एनीथिंग। ये एक ऑल इन वन इंग्रेडिएंट है। पैचेस पर थोड़ा सा लगाएं और इन्हें फेड होने के लिए ओवरनाइट लगे रहने दें। केमिकल एक्सफोलिएंट्स जैसे ग्लाइकोलिक एसिड या लैक्टिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड, जो विटामिन सी है, आपकी स्किन की टॉप लेयर को स्लोली रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, ताकि ये नए स्किन सेल से रिप्लेस हो सके, जिससे ये ओवर टाइम फिर से इवन टोन हो सके। इंग्रेडिएंट्स जैसे कोजिक एसिड और नायासिनमाइड स्किन ब्राइटनर्स है और रेटिनॉइड्स भी स्किन को रिन्यू करने में हेल्प करते हैं। आप अपने डॉक्टर से मेडिकेटेड ट्रीटमेंट्स के लिए भी कंसल्ट कर सकते हैं, अगर आपको लगे कुछ और काम नहीं कर रहा हो तो। फाइनली, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, नो मैटर व्हाट एल्स यू चूज, हमेशा एटलीस्ट 30 SPF वाली सनस्क्रीन डेली अप्लाई करें। यस, इवन इफ यू आर नॉट गोइंग आउटडोर्स। ये पिगमेंटेशन को रीअपियर होने से रोकेगा, जब आप ऑलरेडी इसे क्लियर करने के लिए इतना हार्डवर्क कर रहे हैं। लाइक वी सेड, हाइपरपिगमेंटेशन एकदम नॉर्मल है और बहुत से लोग इससे डील करते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि यू आर स्टक विद इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ग्लैमरस।